दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक आज 140 के पास जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया है। लेकिन आप देख सकते हो कि इतनी ज़बरदस्त तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। लगातार स्टॉक दौड़ा है, 64 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो 140 तक चला गया और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब आगे की क्या संभावना है, तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की जो राय निकल के आई उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद में स्टॉक फिर से एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे हम IRFC की बात करें तो स्टॉक ने आज नई हाई बना दी है, यानी ऑल टाइम हाई आज बना दी है। पुरानी 37 की हाई को तोड़ के इसने एक नई हाई बनाई और उसके बाद में वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। IRFC देख सकते हो कि कुछ काफ़ी मजबूत स्टॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। IRFC और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भर्ती करने जा रही है, यानी नए एम्प्लॉयज़ कंपनी जोड़ने जा रही है। और ये जो खबर है कि बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ कंपनी को चला रहे थे, लेकिन अब कंपनी अपने कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए नए एम्प्लॉयज़ को लेने जा रही है और उनके लिए सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है, चौंकाने वाली सैलरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से उसको भी डिस्कस करेंगे। और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। कल की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने आज फिर से नई तेजी बनानी शुरू कर दी है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। और आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर चाहे FII हो या DII जम के खरीदारी करें, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने बिकवाली की है और ये सिग्नल है कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जो इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी लगातार सबसे शानदार डिविडेंड देती है, यानी अगर आप टॉप 10 डिविडेंड कंपनियां ढूंढते तो उसमें आपको ये कंपनी दिखाई देगी जो अच्छा डिविडेंड तो देती है, साथ में बोनस बहुत ही ज़बरदस्त, कभी कभी तो देख सकते हो कि एक साल के बाद दूसरे साल भी कंपनी ने बोनस दिया है। तो काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और ऐसे में क्या संवर्धन मदरसन में हमें निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो अभी बाजार शुरू है 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 135 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 130 पर थी और आप देख सकते हो कि 139 का इसने हाई भी बनाया, यानी स्टॉक जबरदस्त दौड़ा। कल से लेवल से देखें तो 10 रुपये का लगभग अप मूवमेंट देखने को मिला और फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और इसके पीछे वजह यह भी थी कि कल ही कुछ ब्रोकरेज हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी, इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। इंट्राडे का लो 124 का है, लेकिन इस समय स्टॉक 129 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी, यानी लगभग उसी जगह पे आ चुका है। 0.73% की मामूली गिरावट है, यानी लगभग प्रॉफिट बुकिंग इसमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और फिर एक नई तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 322% का बम्पर रिटर्न दिया, एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हो लोगों के लिए और जिसने भी इसमें निवेश किया वो मालामाल हो चुका है। फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 28,564 को अभी तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे RVNL को लेकर स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के प्रवेश गौर का कहना है कि स्टॉक इस समय देख रहे तेजी से आगे बढ़ रहा है, बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 140 का है, इसको पार करते ही स्टॉक 150 तक जा सकता है। लेकिन इस समय प्रॉफिट बुकिंग की सलाह एक तरह से बन रही है क्योंकि आपको डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इसका मेजर सपोर्ट 100 रुपीज़ का है तो आपको निचले लेवल से खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये 100 के सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर वापस 87 तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आपको इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि 100 के ऊपर मौका मिले तो जरूर खरीदारी करें, लेकिन 100 से नीचे जाने पर इसमें और गिरावट की संभावना बन सकती है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवेज के लिए करीब 2.5 लाख रुपीज़ का एक बड़े बजट में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, उसके बाद में रेलवे के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और रेलवे के स्टॉक है जो 70% से लेकर 200% तक का जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं और ये तेज़ी की शुरुआत है। और इसके पीछे RVNL की बात करें, इसकी जो ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे, गुजरात मेट्रो रेल की तरफ से मिले, चेन्नई मेट्रो की तरफ से मिल रहे, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और इस वजह से इसका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक 150 तक जा सकता है, तो ऐसे में 150 के आसपास आप देख सकते हो इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 129 का है और इसके आसपास आपको बुक प्रॉफिट कर लेना चाहिए, यानी प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए और निचला 118 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटता है स्टॉक 91 तक जा सकता है।
मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि जिस तरह से रेलवे ने इस बार इसको बजट में अनाउंसमेंट तेजी से बढ़ाया है, जिस तरह से बजट बढ़ाया है, इसके अलावा RVNL को नवरत्न का स्टेटस मिला, इसके बाद में तेजी से कारोबार बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, प्रोजेक्ट इनके काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइन में है, ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक और तेज़ी से दौड़ेगा, यानी आने वाले समय ये और नए रिकॉर्ड बना सकता है। तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें होल्ड की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलन जी का कहना है कि यह स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में निवेश करके रखने लायक है, जिस तरह से लगातार प्रोजेक्ट बन रही है, इसकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर है, होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल सबकी राय जो निकल कर के इस समय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनके लिए प्रॉफिट बुक का ये मौका बन रहा है अच्छा खासा, इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर डिप में वापस खरीदारी कर सकते हैं। अब हम IRFC की तरफ चलते हैं, आप देखो 34.50 पर स्टॉक है, जहाँ पर 2.68% की गिरावट देख रहे हो मिले, लेकिन आप देख सकते हो इंट्राडे में 36.05 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और लो बनाए 34 का, लेकिन जो हाई है वो 37.40 का है, यानी आज इसने ऑल टाइम हाई बनाया, जो पुरानी 37 की इसकी हाई थी उसको तोड़ के आज इसे एक नई हाई बनाई, और फिर वहां से आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी अपर सर्किट में दिन में लगा लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो अब यहां पे देख सकते हो कि स्टॉक ने कमाल किया है, और जिस तरह से रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे प्रोजेक्ट्स लगातार निकल के आ रहे हैं, ऐसे में जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां स्पेशली IRFC जैसी कंपनियां, जो IRFC जो है RVNL हो, कोंकण रेलवे या फिर रेलटेल को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनका कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ऐसे में स्टॉक यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार रेलवे का जो बजट है उसमें 2.4 लाख रुपीज़ की एक ज़बरदस्त कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस किया गया बजट के दौरान, और इसकी वजह से देखें तो ये 71% हायर है जो पिछले कुछ सालों में जो बजट था उसके हिसाब से, और इस वजह से भी यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। और ये आपको खास ध्यान रखना है कि IRFC का जो स्टॉक है ये लार्ज कैप में गिना जाता है, लार्ज कैप स्टॉक है, और ये S&P BSE 500 इंडेक्स में शामिल है, और इसीलिए इसमें जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसीलिए आने वाले समय इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया गया, IRFC का जो बिजनेस है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से चल रहा है, यानी होटल अशोका से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है और 37 एम्प्लॉइज को रन करें, लेकिन अब कंपनी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ चुका है, कंपनी ने यहाँ पे फिर से देखे तो अब एम्प्लॉय की भर्ती के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो मंथली सैलरी बताई जा रही है वो 3,70,000 अप टू है, यानी 3,70,000 तक की सैलरी मिल सकती है मंथली, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकता है, और अलग अलग सैलरी उनके पोस्ट के हिसाब से उनको मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद इस बार IRFC ने एक बड़ा स्टेप उठाया, उन्होंने यहाँ पे अब एम्प्लॉयज़ की भर्ती निकाली है, इसका मतलब बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे इसके लिए टोटल जो आप भी अगर उसमें इंटरेस्टेड तो जाके आप उसकी वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैसला ये साबित करता है कि IRFC का काम अब पटरी पे आ चुका है। अब हम चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ, 75.60 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.14% की तेज़ी देखने को मिल रही है, कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन स्टॉक आज फिर दौड़ना शुरू हो चुका है, इंट्राडे में 75.75 का इसने हाई भी बनाया, पिछले एक महीने के हिसाब से देखते तो अभी 11.99% का जबरदस्त रिटर्न स्टॉक दे रहा है, और सिर्फ अगर हम 5 दिन की बात करें स्टॉक ने 5.36% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ना शुरू हो चुका है। अब संवर्धन मदरसन की बात करें, इसकी पेयर कंपनियों की बात करें, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बॉस आपको दिखाई देगा, जिसके शेयर की प्राइस 19,200 रुपीज़ है, इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जिसकी प्राइस 2,557 रुपीज़ है, यूनो मिंडा जिसकी प्राइस 513 रुपीज़ के आसपास है, इसके अलावा देख सकते हो सोना BLW जिसकी प्राइस 496 है, और दूसरी कंपनी मदरसन वायरिंग जो इसी ग्रुप की कंपनी है जिसकी प्राइस 52 के आसपास है, और JF कमर्शियल जिसकी प्राइस 10,489 रुपीज़ है। तो ये आप देख सकते हो इस पेयर इसकी कंपनियों की प्राइस बहुत ज़्यादा है, और ये स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा है, और इसीलिए आने वाले समय इसमें तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। आप फंडामेंटली ये देख सकते हो कंपनी बहुत मजबूत है, मार्केट कैप 51,257 को बीच का है, करंट प्राइस मात्र 75 के, लो 661 का है और हाई 91 का है, स्टॉक का P 50.20 है, बुक वैल्यू इसकी 30.60 की है, और 0.59% का जबरदस्त डिविडेंड कंपनी दिया, और लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है, ROC 8.09% है और ROE 5.44% और फेस वैल्यू इसकी 1 है, तो फंडामेंटल बहुत अच्छे है। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और DIFI की जम के खरीदारी है, आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, दिसंबर में 68.16% के आसपास थी, जो इस समय 64.77% हुई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, FI ने जम के खरीदारी की, आप देख सकते हो 8.24% की होल्डिंग थी Q3 में, जो 10.87% हुई, यानी FI ने भारी निवेश किया है इस समय मदरसन सुमी में। DI की बात करें, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त निवेश किया, 11.95% की होल्डिंग थी Q3 में, जो 14.74% तक पहुँच गई है,
लगभग 15% तक। तो FIDI ने भारी खरीदारी की है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.06% की होल्डिंग है, लेकिन जो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, 11.57% के आसपास थी क्वार्टर थ्री में, जो मात्र 9.55% आ गई है, यानी वन डिजिट में आ गई है इनकी होल्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जितने जनरल पब्लिक के शेयर थे वो सारे FIDI ने बांट के ले लिए, और यही एक देख सकते हैं ये ट्रिगर है जो आने वाले समय इस स्टॉक को बहुत तेजी से ऊपर लेके जा सकता है। और ऐसे में इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम उस स्टॉक की तरफ चलने वाले जो यहाँ पे आपको स्प्लिट देने जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें हैं वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड की, 852 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.39% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है, 52 वीक का लो इसका मात्र 122 का है, लेकिन हाई 1602 का है, यानी 1600 तक स्टॉक जाके आ चुका है। इस समय 852 में मिल रहा है, ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है, एक मौका है खरीदारी का। कंपनी के कारोबार की बात, कंपनी एक डिजिटल मीडिया कंपनी है, आप देखो ऑडियो वीडियो कंटेंट बनाती है कंपनी, इसके अलावा वॉइस बेस्ड कंपनी का कामकाज है, इसका B2B बिजनेस सर्विस है, और एक तरह से देखें तो कंपनी पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और इस तरह से जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है SME इसको प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे आपको स्प्लिट दे रहा है स्टॉक की, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू पुरानी है 10 की, उसको बदला जा रहा है 5 में, यानी एक के बदले दो शेयर मिल जाएंगे आपके 5-5 रुपए के। स्प्लिट डेट है 9/5/2023, उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाए तो बिल्कुल आपको स्प्लिट का फायदा मिल सकता है। तो लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।